हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से और एक नया ट्यूटोरियल के साथ हो गाइस। आज हम इस फोटो को एडिटिंग करने जा रहे हैं और कंप्लीट होने के बाद कुछ इस टाइप का आपको देखने के लिए मिलता है। और जो ये बैकग्राउंड मैंने क्रिएट किया था, आप इधर देख सकते हो, जूम करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा था, जो ओरिजिनल पिकअप देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पर ब्लैक किया था। देख सकते हो कंप्लीट होने के बाद मैंने कुछ इस तरह की बनाया था। जो इसका जो ओरिजिनल बैकग्राउंड है वो है ये वाले, तो ये वाली कंप्लीट करके मैं इस टाइप का बैकग्राउंड क्रिएट किया था। तो मैंने बैकग्राउंड कैसे क्रिएट किया और कहाँ से डाउनलोड किया और क्या सर्च करके मैंने ये बैकग्राउंड मिला, उसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत सारी चीज सीखने के लिए मिलेगा। तो हमारा ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो गए, सबसे पहले फोटोशॉप में अपने पिक को ऐड कर लेना और उसके बाद आपको बैकग्राउंड को रिमूव कर देना है। तो मैंने बैकग्राउंड रिमूव का एक अलग से वीडियो बना के रखा है, जाके देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो हमने कुछ इस तरह से पहले से मैंने कट करके रखा था ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो अब हमें जो करना है, हम बैकग्राउंड को ऐड करेंगे और बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे। और ये जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड मैंने कहाँ से डाउनलोड किया था और क्या सर्च किया था, तो ये बैकग्राउंड चलो हम ब्राउज़र में जाते हैं एंड यहाँ पर देखो unsplash.com, यहाँ पर मैंने सर्च किया था स्विंग। एंड अब देखो बहुत सारे स्विंग का फोटो आपको मिल जाएगा, देखो। एंड इसी में से मैं ढूंढ ढूंढ के मुझे वो बैकग्राउंड मिला था। तो आप भी ढूंढ लेना, काफी टाइम लगता है यहाँ पर आपको बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिल जाएगा। तो आते हैं हमारा फोटोशॉप के अंदर। तो ये जो है मैंने unsplash.com से डाउनलोड किया था, ये तो आप लोगों को शायद क्लियर हो चुका है इतना। तो अब इसे हम बैकग्राउंड को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसका जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसे हटा देते एंड यहाँ पर हमें जो पार्ट नहीं चाहिए हम उसे रिमूव कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें ये सब रिमूव कर देना, तो फटाफट से रिमूव कर देता हूँ जो जो पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो हमने बहुत अच्छी तरह से रिमूव कर दिया। अब इसे हम मूव डाउन थोड़ा कर देंगे लेयर को। एंड इसको देखो, मैंने ये बैकग्राउंड क्यों चूज़ किया, क्योंकि इस फोटो में इस तरह की बैकग्राउंड बहुत ही अच्छी तरह से मैचिंग हो जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है। आप दूसरा बैकग्राउंड चूज़ करोगे तो आप अपना सोच ठीक ठाक करो तो आप उस टाइप का कर पाओगे। तो मैं थोड़ा फ्लिप कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से बैकग्राउंड को सेट कर लिया, बस यहाँ पर हम कर देते यहाँ पर डन। तो अब जो हमारा काम है, देखो यहाँ पर जो हाथों में ये हमें ब्लॉक करना है, ठीक है। और पीछे का ये जो पार्ट है ये कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको भी हटा देंगे। तो हटाने के लिए पहले तो हम यहाँ पर जाते एंड यहाँ पर ना हम इसे पहले सिलेक्शन कर लेते। तो ये हमारा सिलेक्शन हो चुका, ये पार्ट भी हमें चाहिए, इसलिए कंट्रोल जे प्रेस करके हम इसका कॉपी लेयर बना लेंगे एंड यहाँ पर फिर से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे, इसका सिलेक्शन बन जाएगा। फिर हम जाएंगे इस वाले लेयर में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ना हम कन्वर्ट ऑब्जेक्ट को पहले हटा देते। फिर हम जाएंगे सिलेक्ट पर, फिर हम जाएंगे मॉडिफाई में एंड एक्सपेंड में आपको क्लिक कर देना है। ये आप में 8 डाल देता हूँ एंड जस्ट ओके कर देंगे। एडिट पे जाना है एंड फिल पे आपको क्लिक कर देना है, यहाँ पर कंटेंट और जो है ये आपको क्लिक कर देना है। तो ये गायब हो जाएगा, तो ये हमारा गायब हो चुका है। और जो बाकी जो पार्ट है हम इसको कर देंगे कोलोन से परफेक्ट, ठीक है। तो हमारा इधर बैकग्राउंड इतना बन चुका है, अब बस यहाँ पर फिर से आपको कर देना है। देखो ये जो हमने कॉपी किया था इसको, इसका काम हम बाद में करेंगे, पहले तो ये जो चीज़ है इसमें मैचिंग कराना है ये वाले में, तो हम इसी को करेंगे। तो देखो इतना बहुत छोटा है, तो पहले तो हम इसको इधर जाके हम थोड़ा बहुत इसका कंट्रोल जे प्रेस करके कॉपी करके फिर हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। एंड यहाँ पर हम कर देंगे यहाँ पर मर्ज, ठीक है, दोनों एक साथ कर देते मर्ज। अब देखो ये जो पीछे का जो ये है
हम इसको कन्वर्ट अपडेट कर देता हूँ ताकि हमारा फ़ोटो का जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी हद तक ठीक रहे। इसको भी हम थोड़ा चेंजेस वगैरह करेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका एक यहाँ पर मैं एक पहले से एक कॉपी कर लेता हूँ, फिर हम जाएंगे एडिट पे, आपको आ जाना है पोपट और में, आपको इस तरह से पॉइंट बनाना है, ठीक है। बस यहाँ पर डन कर देंगे और इसको कर देते हैं रिमूव, और इसके साथ हम यहाँ पर मार्च कर देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत सिलेक्शन कर लेता हूँ, बहुत ही हमें परफेक्ट तरीके से करना है। यहाँ पर हम कर देंगे मैक्स सिलेक्शन और इसका एक कंट्रोल जे करके कॉपी बना लेंगे, और अब इसको हम कर देंगे यहाँ पर ह्यू पे आएंगे, क्लिपिंग मार्क्स कर देते हैं, फिर इसको कर देंगे सैचुरेशन पूरी तरह से माइनस, एंड यहाँ पर देखो हम इतना रख लेते हैं। अब हम बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर थोड़ा ब्लर वगैरह थोड़ा बहुत करेंगे ताकि ये परफेक्ट लगे। तो फिल्टर में आ जाएंगे, फिर जाएंगे ब्लर गैलरी पे, एंड यहाँ पर जो टिल्ट शिफ्ट है अब इसको क्लिक कर देना है, यहाँ पर कर देते हैं डन। यहाँ पर देखो ये भी हम रिमूव कर देंगे, रिमूव करने के लिए बस हेलिंग ब्रश यूज़ भी कर सकते हो, एंड सबसे अच्छा अगर आप इस ब्रश को यूज़ करोगे तो और भी बेहतर है। बैकग्राउंड का काम हमारा ख़त्म हो चुके, अब हम मॉडल के ऊपर काम करेंगे, ओके। तो चलो फटाफट से हम कर लेते हैं। अब हम फेस को स्मूथ करेंगे, तो फेस को स्मूथ करने के लिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मिक्सर ब्रश टूल यूज़ करना है, एंड आप यहाँ पर सेटिंग देख सकते हो। तो चलो फटाफट से हम स्मूथ कर लेते हैं। हमने यहाँ पर काफ़ी स्मूथ कर लिया जितना हो सके, और एक बार स्मूथ करेंगे तो कंट्रोल जे प्रेस कर देना, एंड यहाँ पर फिर से हम क्लिपिंग मार्क्स कर देंगे, और यहाँ पर जो हमें कंट्रोल आई प्रेस कर देना है, फिर हमें विविध लाइट पे आ जाना है, फिल्टर पे आ जाना है, अदर पे हाई पास पे क्लिक कर देना है आपको। यहाँ पर हम थोड़ा कम करेंगे, 2.8 ज़्यादा ही हो गया इस फोटो के हिसाब से, तो 2.2 रखते हैं। फिर जाएंगे फिल्टर पे एंड ब्लर गशिन ब्लर पर आपको क्लिक कर देना है, तो हम इतना रख लेते हैं। फिर हम जाएंगे अल्ट प्रेस करके यहाँ पर क्लिक कर देंगे मार्क्स के वाला ऑप्शन में, फिर हम यहाँ पर वाइट चूज करेंगे, फिर यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। काफ़ी स्मूथ हो भी चुका है, तो अब इसे हम यहाँ पर मार्च कर देंगे। मार्च कर देने के बाद हम जो हेयर है हम हेयर स्टाइल करेंगे, तो यहाँ पर मैं सिलेक्शन कर लेता हूँ और हेयर मैं फटाफट से कर लेता हूँ। तो हमारा हेयर क्रिएट हो चुका है, आप यहाँ पर हम मार्च कर देते हैं, फिर हम जाएंगे फिल्टर पे लिक्विफाई में और भी अच्छी तरह से एडजस्ट करेंगे हमारा हेयर को। अब यहाँ पर बैकग्राउंड के ऊपर थोड़ा शैडो डालेंगे, तो शेडो भी हमारा क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर हम थोड़ा डॉजन बर्क करेंगे, डॉजन बर्क करने के लिए यहाँ पर आपको एडिट पे क्लिक कर देना है, फिल पे क्लिक कर देना है, फिर हम यहाँ पर 50% ग्रे रख देंगे, और यहाँ पर आपको आ जाना है ओवरले कर देना है। तो यहाँ पर ब्राउन टूल को हम यूज़ करेंगे, इसको कर देते अप्लाई। आप डॉस टूल यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत हम फेस को हाइट वगैरह डालेंगे। तो
तो हमने डॉस टूल भी यूज़ कर लिया, थोड़ा सा ऑपोजिट इसका कम कर देंगे। चलो बहुत बढ़िया, अब यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर आ जाएंगे सिलेक्टिव कलर। तो हमारे बैकग्राउंड के साथ भी मैचिंग हो चुका है, बस यहाँ पर जो हमारा फोटो पे थोड़ा रेड कलर डाल देंगे तो और भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसका ओपेसिटी कम कर देंगे। चलो ठीक है, अब हमें एक साथ सब कुछ मार्च कर देना है, तो एक साथ मार्च करने के लिए कंट्रोल आर प्लस शिफ्ट प्लस ई दबाने के बाद सब एक साथ मार्च हो जाएगा। फिर आपको जाना है प्रिंटर पे, कैमरा रन यूज़ करेंगे। अब हम लास्ट में जाएंगे इफेक्ट पर, थोड़ा बहुत किराइन को बढ़ा देंगे, जस्ट इसे हम कर देते हैं ओके। तो गाइस हमारा जो एडिटिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अगर सीखने के लिए कुछ मिलता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल आने वाला है और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, आते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और भी बेहतरीन बेहतरीन ट्यूटोरियल लेके। तब तक के लिए बाय बाय।